हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशेंट्स पोजीशंस के बारे में। जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तब उसको कौन कौन सी हम पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं और उन पोजीशन के क्या पर्पज़ होते हैं, क्या इंडिकेशन और उनके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इन सभी को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्पज़ की बात करें तो हम पेशेंट को क्यों पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें ये पॉइंट्स आते हैं: टू प्रमोट कम्फर्ट, टू रिलीव प्रेशर, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशंस। जो हमारे नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं उनको करने के लिए हम पोजीशंस प्रोवाइड कराते हैं। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन काज बाय इमोबिलिटी। अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक बेड रिडन है तो उसको कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि बेड सोर्स। इन सभी से बचाने के लिए हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। टू प्रमोट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को प्रमोट करने के लिए पेशेंट्स को पोजीशंस प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी हो गए इसके पर्पज़। नेक्स्ट हमारा जो इसमें आता है उसका नाम है प्रिंसिपल्स। हम किस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर पेशेंट्स को पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, तो फर्स्ट है इसमें मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स। सेकेंड, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। हमें प्रोसीजर को करने से पहले और उसके बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। एंश्योर पेशेंट्स कंफर्ट, और हमें ये भी एंश्योर कर लेना चाहिए कि पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड। अगर हमें किसी भी पोजीशन को प्रोवाइड कराते टाइम किसी भी अदर नर्सिंग पर्सनल की ज़रूरत पड़े तो हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को कोई भी ट्रॉमा इंजरी से हम बचा सकते हैं। फॉलो सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, और हमें सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए किसी भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए। नंबर सिक्स है यूज राइट टेक्निक ऑफ राइट टाइम्स, और हमें सही टेक्निक्स को हमें सही टाइम पर ही परफॉर्म करना चाहिए। हमारी पोजीशन आती है फर्स्ट, उसका नाम है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन के ऊपर कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इसमें प्रेशर पॉइंट्स को पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है, हमने इनको रेड एरो से डिनोट किया हुआ है: हेड, शोल्डर, एल्बो, बटक, हील, अंटो। ये सारे इसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विद हिज हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। जो पेशेंट होता है वो उस अपनी सर और कमर के बल लेटता है, यानी पीठ की तरफ से लेटता है, और उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो स्लाइटली यानी थोड़े एलिवेटेड होते हैं। इंडिकेशंस कि इस पोजीशन को हम कब प्रोवाइड करते हैं, तो फर्स्ट है इसमें यूजुअल पोजीशन। अक्सर जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तब हम सुपाइन पोजीशन ही प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड है एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। चेस्ट और एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करने के लिए हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। प्रोसीजर, प्लेस द पेशेंट ऑन बैक विद वन पिलो अंडर द हेड आर्म्स एंड हेड एट द साइड्स नीज फ्लेक्स एंड सेपरेटेड। इसमें सबसे पहले पेशेंट को हम उसकी पीठ की तरफ से लिटाते हैं और उसके सर के नीचे एक पिलो लगाते हैं, और जो उसके नीज होते हैं वो एक दूसरे से फ्लेक्स्ड और सेपरेटेड होते हैं। प्लेस द एयर रिंग्स अंडर द हिप्स, और एयर रिंग्स होती है हम पेशेंट के हिप्स के नीचे लगाते हैं, जिससे कि प्रेशर को कम किया जा सके। कॉटन फॉर्म पैड अंडर द हील, और कॉटन फॉर्म जो पैड्स होते हैं वो उसकी हील के नीचे लगाते हैं, जिससे कि हम प्रेशर को रिड्यूस कर सकें। टू फुटबोर्ड अंडर द बॉटम ऑफ फीट, और फुटबोर्ड्स का भी यूज करते हैं उसके पैरों के पास। इफ द पेशेंट इज पैरालाइज, प्लेस हैंड रोल इन हैंड। अलाइन द पेशेंट्स बॉडी इन गुड पोजिशन, और पेशेंट को गुड बॉडी पोजिशन प्रोवाइड कराते हैं। ये रहे जैसे एग्जाम्पल हैं इन एयरबैग्स और फुटबोर्ड्स। ये सभी एग्जाम्स में डायग्राम्स देकर इनके नाम्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। नेक्स्ट जो नंबर दो पे हमारी पोजिशन आती है उसका नाम है प्रोन पोजिशन। प्रोन पोजिशन के अंदर हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो है हमारे हेड, एल्बो, चिन, चेस्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नी एंड टोज। ये सारे इसके अंदर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं।
पोजिशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन द एब्डोमेन विद द हेड टर्न टू वन साइड विद स्मॉल पिलो अंडर द एंकल। इसमें जो पेशेंट होता है उसको हम पेट की साइड से लिटाते हैं और उसके हेड को वन साइड टर्न करते हैं और एक छोटा पिलो उसके एंकल के नीचे हम यूज करते हैं। इंडिकेशंस, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट्स विद प्रेशर सोर बर्न्स इंजरी एंड ऑपरेशन ऑन द बैक। अगर किसी पेशेंट को प्रेशर सोर है बैक साइड पर तो हम उसको उनसे बचाने के लिए पेशेंट्स को प्रोन पोजिशन प्रोवाइड कराते हैं। टू रिलीव एब्डोमेन डिस्टेंशन रीनल बायोप्सी एग्जामिन ऑफ द बैक फॉर पेशेंट्स आप 24 आवर्स ऑफ एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्स। इन सभी कंडीशन में हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे टू प्रोवाइड प्राइवेसी और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। इसके लिए हम कर्टन वगैरह का यूज़ करते हैं। प्लेस अंडर द पेशेंट फ्लैट ऑन एब्डोमेन विद वन पिलो अंडर द हेड। पेशेंट को हम पेट की तरफ से लेटाएंगे और एक पिलो उसके हेड के नीचे यूज करेंगे। टर्न पेशेंट हेड टू वन साइड एंड अलाइन द पेशेंट इन गुड पोजिशन। और पेशेंट का जो हेड होता है वो वन साइड हम टर्न करेंगे और उसको एक अच्छी पोजिशन प्रोवाइड कराएंगे। आफ्टर दैट प्लेस बोथ आर्म्स एट द साइड ऑफ हेड एंड सपोर्ट आर्म इन फ्लेक्स्ड पोजिशन एट द लेवल ऑफ शोल्डर। सपोर्ट लोअर लेग्स विद पिलो टू एलिवेट टोज। और उसके जो लोअर लेग्स को सपोर्ट करने के लिए हम टो को एलिवेट करेंगे, इसके लिए हम पिलो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर जो हमारी पोजीशन आती है उसका नाम है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन के अंदर जो विक्टिम होता है वो वन साइड लेट जाता है। इसमें जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो है हमारे ईयर, शोल्डर, एल्बो, आउटर साइड, हिप, नी, आउटर साइड एंड इनर साइड, एंकल एंड हील, ये सभी इसमें प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। द क्लाइंट लाइज ऑन द साइड विद वेट ऑन हिप एंड शोल्डर। इसमें जो पेशेंट होता है वो वन साइड लेट जाता है और उसका जो वेट होता है वो उसके हिप पर और उसके शोल्डर पर होता है। द अपर लेग्स इज फ्लेक्स्ड मोर देन लोअर लेग्स। जो इसमें अपर लेग्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्स्ड होते हैं लोअर लेग्स की तुलना में। द अपर नी एंड हिप शुड बी एट द सेम लेवल। ए पिलो इज गिवन अंडर द हेड बैक एंड फ्रंट टू सपोर्ट टू द आर्म्स एंड एब्डोमेन। आर्म्स और एब्डोमेन को सपोर्ट करने के लिए एक पिलो दिया जाता है और एक पिलो उसके सर के नीचे लगाया जाता है। ए स्मॉल पिलो इज गिवन बिटवीन द नीज। एक छोटा पिलो नीज के बीच में लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। पेशेंट्स हु रिक्वायर पीरियोडिक पोजीशन चेंजेस इन इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियम। पेरिनियम के एग्जामिनेशन करने के दौरान पेशेंट को हम लेटरल पोजीशन पर प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं पेरिनियम क्या होता है। पेरिनियम मेल के अंदर जो हमारा एनस होता है और स्क्रोटम के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरिनियम बोलते हैं, जबकि फीमेल के अंदर जो यूवुला पार्ट होता है और एनस वाला पार्ट होता है उसके बीच के स्पेस को हम पेरिनियम बोलते हैं। इंसर्टिंग सपोजिटरीज फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर को लेने के लिए हम लेटरल पोजिशन प्रोवाइड कराते हैं। इस पर एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। गिविंग बैक केयर, पेशेंट की बैक का केयर करने के लिए हम लेटरल पोजीशन देते हैं। फॉर गिविंग एनिमा एंड कोलेनिक इरिगेशंस। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे टू प्रोवाइड प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। पोजीशन टू द पेशेंट्स टू साइड ऑफ द बेड। टर्न टू द पेशेंट टू वन साइड, पेशेंट को वन साइड हम टर्न करेंगे। इसके बाद पेशेंट के हिप्स के नीचे हम एयर रिंग्स का यूज करेंगे। पोजीशन बोथ आर्म्स इन फ्लेक्स्ड पोजीशन। जो बोथ आर्म्स होती है वो हमारी फ्लेक्स्ड पोजीशन में होनी चाहिए। अपर मोस्ट आर्म्स आर सपोर्टेड बाय पिलो ऑन लेवल विद शोल्डर। जो हमारी जो अपर आर्म्स होती है उसके वो एक पिलो से सपोर्टेड होनी चाहिए और वो शोल्डर के लेवल में होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। प्लेस पिलो अंडर द बैक। और पेशेंट की कमर के पीछे हम एक पिलो का यूज़ करते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। प्लेस सैंड बैग पैरेलल टू प्लांटर सरफेस ऑफ डिपेंडेंट फूड। अब बात करते हैं लिथोटोमी पोजीशन की। लिथोटोमी पोजीशन
के ऊपर भी एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, इसको आपको याद रखना है। इसमें जो क्लाइंट होता है वो सुपाइन पोजीशन में लेट जाता है और उसके जो लेग्स होते हैं एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं एंड थाई आर फ्लैक्स, और उसकी जो थाई होती है वो फ्लैक्स्ड होती है। द पेशेंट्स बटक्स आर कैप्ट एट द एज ऑफ द टेबल, और जो पेशेंट्स के बटक होते हैं वो टेबल के किनारे पर होते हैं। एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाई स्ट्रिप्स, और जो उसके लेग्स होते हैं वो स्ट्रिप्स से सपोर्ट किए जाते हैं। इंडिकेशंस, इस पोजीशन को हम कब कब प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी के टाइम। फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड सर्जरीज। फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड हाइस्टीरेक्टोमी। अब बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, हम पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्रोवाइड प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। पोजीशन टू द पेशेंट, लाई ऑन हिज बैक विद वन पिलो अंडर द हेड, और पेशेंट को हम उसकी कमर की साइड से लेटने को कहेंगे और उसको एक पिलो उसके सर के नीचे हम रखेंगे। कीप द लेग्स वेल सेपरेटेड, और हम लेग्स को एक दूसरे से सेपरेटेड रखेंगे। एंड थाई वेल फ्लेक्स, और उसकी थाई को हम अच्छे से फ्लेक्स्ड रखेंगे। बटक्स आर कैप्ट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड द लेग्स आर सपोर्टेड बाई स्ट्रिप्स, जो बटक्स एरिया होता है उस वो टेबल के एंड पर होना चाहिए और उसके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रिप्स से हम उनको सपोर्ट प्रदान करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डोर्सल रिकॉम्बिनेंट पोजीशन की। डोर्सल रिकॉम्बिनेंट पोजीशन एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, इसके ऊपर भी एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है वो पीठ की साइड से लेट जाता है और उसके जो घुटने और उसकी थाई होती है वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होती है, और इस पोजीशन को हम जनरली प्रोवाइड कराते हैं जब पेशेंट को कोई भी पेनफुल डिसऑर्डर हो जिससे कि वो कंफर्टेबल फील कर सके। थर्ड पॉइंट है जो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पोजीशन को हम कभी भी एब्डोमेन असेसमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन होती है वो हमारे एब्डोमेन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कई बार कि हम डोर्सल रिकॉम्बिनेंट पोजीशन को हम एब्डोमेन असेसमेंट में हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके इंडिकेशंस की कि हम कब इस पोजीशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर कैथेटराइजेशन, वेजाइनल डच, वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड इंसर्शन ऑफ टेम्पोन। इन सभी कंडीशंस में हम इस पोजीशन को प्रोवाइड करवाते हैं। वेजाइनल डच का मैंने यहाँ पर फोटो दिखाया हुआ है, इसका यूज हम वेजाइना की क्लीनिंग के लिए करते हैं। प्रोसीजर, इसमें जो पेशेंट होता है हम उसको पेट की साइड से लिटाते हैं और दो या दो से अधिक पिलो को हम उसके हेड के नीचे यूज़ करते हैं जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके। और एयर रिंग्स होती है जो उसके हिप्स के नीचे यूज़ करते हैं, और कॉटन पैड्स एंड फोम पैड्स को हम उसकी हील्स के नीचे यूज़ करते हैं जिससे कि प्रेशर कम हो और पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके। अब बात करते हैं हम फाउलर्स पोजीशन के बारे में। फाउलर्स पोजीशन एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, इसके ऊपर कई सारे इमेज बेस और एंगल बेस क्वेश्चन बन जाते हैं कि उसमें इमेज दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि ये पोजीशन कौन सी है, और कई सारे एंगल्स पूछ लेते हैं। इट इज़ ए सिटिंग पोजीशन, ये एक सिटिंग पोजीशन होती है, इसमें जो पेशेंट का हेड होता है वो 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक एलिवेटेड होता है, और इस पोजीशन को प्रोवाइड करते टाइम हम बैक रेस्ट एंड पिलो का यूज़ करते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए। इसके टाइप्स की बात करें तो ये तीन टाइप्स की होती है, फाउलर्स, सेमी फाउलर्स एंड हाई फाउलर्स। फाउलर्स पोजीशन के अंदर जो हमारा एंगल होता है बेड का वो 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में होता है, जबकि सेमी फाउलर के अंदर 30 डिग्री के बीच में होता है, जब और जो हमारी हाई फाउलर पोजीशन होती है उसमें 80 डिग्री से अबव हमारा बेड का एंगल होता है। अब बात करते हैं हम इसके इंडिकेशंस की कि क्यों हम इस पोजीशन को प्रोवाइड कराते हैं। तो टू रिलीव डिस्निया, इम्प्रूव सर्कुलेशन, टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ एब्डोमेन बैक एंड थाई, टू रिलीव टेंशन ऑफ एब्डोमेन स्ट्रेचर, इन सभी कंडीशंस में हम इस पोजीशन को प्रोवाइड करवाते हैं।
बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। टू एलिवेट द हेड ऑफ बेड, बेड का हम हेड को एलिवेट करेंगे। रेस्ट द हेड अगेंस्ट द मैट्रेस और स्मॉल पिलो। यूज पिलो टू सपोर्ट आर्म, आर्म्स को सपोर्ट करने के लिए हम पिलो का यूज़ करते हैं। और एक स्मॉल पिलो हम बैक के पीछे भी लगाएंगे जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके। फुट पोर्ट्स का हम जनरली यूज़ करते हैं। प्लेस द पेशेंट इन सिटिंग पोजिशन विद आर्म्स एट साइड एंड नीज रेस्ड विद पिलो। अब बात करते हैं हम सिम्स पोजीशन के बारे में। सिम्स पोजीशन का जो ये ए डायग्राम है ये इसके एंटीरियर व्यू को शो करता है, जबकि जो बी डायग्राम है ये वाला ये इसके पोस्टीरियर व्यू को शो करता है। इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन आइदर द राइट और लेफ्ट साइड। इस पोजीशन के अंदर जो क्लाइंट होता है या तो वो लेफ्ट साइड लेटता है या राइट साइड लेटता है। द लोअर आज आर्म बिहाइंड द बॉडी, जो लोअर आर्म होती है वो बॉडी के पीछे होती है। एंड द अपर आर्म इज बेंट एट द शोल्डर एंड एल्बो। दिस पोजिशन सिमिलर टू द लेटरल पोजिशन, ये जो पोजिशन होती है ये लेटरल पोजिशन के समान ही होती है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। अब बात करते हैं हम इसके इंडिकेशंस की कि कब हम इस पोजिशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनोमा एंड सपोजिटरीज, यूज फॉर रिलैक्सेशन इन एंटेंटल एक्सरसाइज, पोजिशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोटोस्कोपी। जो ये प्रोसीजर्स होते हैं सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोटोस्कोपी, इनको करने के लिए इस पोजीशन को प्रोवाइड करवाया जाता है। इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोटोस्कोपी। अब बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। प्लेस द पेशेंट ऑन द साइड, और पेशेंट को हम वन साइड करेंगे या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। और एक स्मॉल पिलो हम उसकी हेड और नेक के नीचे लगाएंगे। प्लेस पिलो अंडर फ्लेक्स्ड अपर आर्म्स सपोर्टिंग आर्म लेवल विद शोल्डर। और इसमें जो सैंड बैग्स हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन आती है उसका नाम है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ये पोजीशन इमरजेंसी कंडीशंस में प्रोवाइड कराई जाती है जनरली। इन दिस पोजिशन द पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद द हेड लो। इस पोजिशन के अंदर जो पेशेंट होता है वो पीठ की तरफ से लेटता है और उसका जो हेड होता है वो लो डिग्री पर होता है और उसके जो पैर होते हैं वो 45 डिग्री एंगल तक एलिवेटेड होते हैं। इंडिकेशंस यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक शॉक, हिमोरेज एंड हाइपोटेंशन, पोस्टरल ड्रेनेज, पेशेंट विद डीप थ्रोम्बोसिस। बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, और पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में प्लेस करेंगे। और जो उसका हेड होता है वो हम लो डिग्री पर रखेंगे और उसके जो फुट है वो हम 45 डिग्री एंगल तक उसको रेज करेंगे। और इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि पेशेंट स्लिप ना हो बेड पर से। नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन आती है उसका नाम है नी चेस्ट पोजीशन। अब बात करते हैं हम नी चेस्ट पोजीशन के बारे में। इस पोजीशन को कई सारी कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए यूज किया जाता है। द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट, द बॉडी इज एट 90 डिग्री एंगल एंड हिप विद द बैक स्ट्रेट, द एब्डोमेन रिमेंस अनसपोर्टेड। और जो इसमें जो हमारा एब्डोमेंस होता है वो हमारा अनसपोर्टेड होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन यूज्ड इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन कोड प्रोलैप्स और रिट्रोवर्टेड यूटेरस, ये सभी प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेज हैं। एज एक्सरसाइज ऑफ पोस्टपार्टम एंड गाइनोकोलॉजी पेशेंट। अब बात करते हैं कोड प्रोलैप्स के बारे में। इसमें जो हमारा जो कोड होता है वो डिलीवरी से पहले हमारा बाहर आ जाता है। डायग्राम में इस कंडीशंस को दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं हम रिट्रोवर्टेड यूटेरस की। जो फर्स्ट जो डायग्राम है जो हमारा यूटेरस है वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर होता है, जो सेकंड है ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है यूटेरस की। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। मेक द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट,
द हेड इज टर्न्ड टू वन साइड, और जो उसका हेड होता है वो वन साइड होता है, विद द चीक ऑन ए पिलो, और जो उसके जो चीक होते हैं वो पिलो पर होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी लास्ट पोजीशन है उसका नाम है ऑर्थोपेनिक पोजीशन, हाई फाउलस पोजीशन विद ओवर बेड टेबल। अब बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। मेक द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट, द हेड इज़ टर्न टू वन साइड, उसका जो हेड होता है हम उसको वन साइड टर्न करेंगे, और उसके जो चीक के नीचे हम पिलो का यूज करेंगे। द आर्म शुड बी एक्सटेंडेड ऑन द बेड एंड फ्लेक्स्ड एट द एल्बो टू सपोर्ट द पेशेंट पार्शियली। अब बात करते हैं हमारी जो लास्ट पोजीशन है उसका नाम है ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ये हाई फाउलर पोजीशन होती है, विद ओवर बेड टेबल टू बी प्लेस्ड अक्रॉस द इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, इसमें जो पेशेंट के सामने एक टेबल यूज करी जाती है, पेशेंट टू रेस्ट बोथ हैंड्स ऑन ओवर द टेबल, और इससे पेशेंट अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखकर रेस्ट कर सकता है। लीनिंग फॉरवर्ड फैसिलिटेटेड रेस्पायरेशन बाय अलाउिंग मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन। अब बात करते हैं हम इसके इंडिकेशंस की कि कब इस पोजीशन को प्रोवाइड कराया जाता है। पेशेंट विद सीवियर डिशनिया, पेशेंट को अगर सीवियर डिशनिया है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, कार्डियक पेशेंट है, पोजीशन फॉर थोरेकोसेंटेसिस, थोरेकोसेंटेसिस प्रोसीजर के दौरान इस पोजीशन को प्रोवाइड कराते हैं। पेशेंट विद चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब, और पेशेंट को कोई भी चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब हो। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो पोजीशन से रिलेटेड तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।